गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का तीसरा चैप्टर, ए लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों के नाम पत्र। इसके हमारे जो आर्थर है, लेखक है, चाचा नेहरू जी हैं। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम कहते हैं, जैसे आप सभी लोग को पता है। और इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और जैसा आप सभी को कहा पता है कि चाचा नेहरू उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत के बच्चे थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वही बच्चे इन्हें चाचा कहते थे। इसी वजह से इनका उपनाम जो है चाचा पड़ा। और इस पार्ट में वो भारत के बच्चों के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के बच्चों के नाम क्या कह रहे हैं, क्या पत्र में उन्होंने लिखा है। चलिए देखिए। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। कह रहा है कि मैं बच्चों के साथ रहना और उनसे बातें करना और उससे भी ज़्यादा उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ रहना और उनसे बातें करना और उससे भी ज़्यादा उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम terribly old and that it is a very long time ago since I was child. कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं अत्यधिक बूढ़ा व्यक्ति हूँ और बहुत ही लंबे समय पहले मैं एक बच्चा था। दोनों लाइन का अर्थ क्लियर हो गया, आई होप आप लोग को। एक बार फिर से देख लिए। कह रहा है कि चाचा नेहरू स्वयं लिख रहे हैं पत्र, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ रहना और उनसे बातें करना और उससे भी ज़्यादा उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड एंड दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। और कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं अत्यधिक बूढ़ा व्यक्ति हूँ और बहुत ही लंबे समय पहले मैं एक बच्चा था। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस एज टू वॉट यू शुड डू एंड वॉट यू शुड नॉट डू। कह रहा है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस। कह रहे हैं नेहरू जी कि मैं तुम्हें स्ट्रिंग माने, पहले मैं बता देती हूँ कि श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला, और एडवाइस माने आपको पता है सलाह होता है। तो चाचा नेहरू कह रहे हैं कि मैं आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिंग है तो श्रृंखला बोलने में बेटर नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे सलाह नहीं देना चाहता हूँ। What you should do and what you should not do, कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। चाचा नेहरू कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत अच्छी सलाह नहीं देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। I suppose you have enough of this from your teachers, और मैं suppose माने मानता हूँ कि इसके लिए अच्छी सलाह के लिए जो है अच्छी सलाह है वो आपको आपके अध्यापकों से बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि आपके अध्यापकों से आपको बहुत ज़्यादा सलाह या पर्याप्त सलाह मिल जाते हैं। इफ़ यू वेयर विथ मी, यदि आप मेरे साथ होते हो तो आई वुड लव टू टॉक टू यू, तो मैं आपसे बातें करना पसंद करूँगा। To you about
दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ अवर्स कह है कि यदि आप मेरे साथ हो तो हमारे चारों तरफ ये जो सुंदर संसार है इसके बारे में बातें करना पसंद करूँगा, अबाउट फ्लावर्स फूलों के बारे में, एंड ट्रीज एंड बर्ड्स और पेड़ों और पक्षियों के बारे में, एंड एनिमल्स और जानवरों के बारे में, एंड स्टार्स एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग दैट सराउंडेड अस इन द वर्ल्ड। नेहरू जी कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो किन किन चीज़ों के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आगे स्टार्स माने तारों के बारे में, एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर पर्वतों और घाटियों के बारे में, एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंडस अस इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि और जो इस संसार में हमें चारों तरफ से आश्चर्यजनक वस्तुएँ घेरे हुई हैं उन सभी के बारे में बातें करना पसंद करूँगा। ये पूरा एक लाइन है, तो आप इसको तोड़ तोड़ के अपने समझ के अनुसार छोटा छोटा करके बताइएगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं, कह रहा है इफ़ यू वेयर विथ मी आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड अप अवर्स, अबाउट फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्टार्स एंड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंडेड अस इन दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि यदि तुम मेरे साथ होते हो तो मैं तुमसे इस संसार में, कह रहा है हमारे इस सुंदर संसार के बारे में बातें करना पसंद करूंगा, अबाउट फ्लावर्स फूलों के बारे में, एंड ट्रीज एंड बर्ड्स और पेड़ों और पक्षियों के बारे में, एंड एनिमल और जानवरों के बारे में, एंड स्टार्स और तारों के बारे में, एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स और पहाड़ों और पर्वतों के बारे में, एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंडेड अस इन दिस वर्ल्ड। और दूसरे वस्तुओं के बारे में करा है कि और संसार में, हमारे संसार में करा है कि इस संसार के आश्चर्यजनक दूसरे वस्तुओं के बारे में जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही देखिए, और ये वाला लास्ट सप्लीमेंट्री का हमारा जो चैप्टर है इसके आगे एक और है ऑन अ विंटर्स नाइट, वो भी एक कहानी है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। इस पार्ट तक आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। और इस पार्ट में जो बच्चे हैं नेहरू जी से हाथ ही मांगे थे, उसी के बदले वो पत्र लिख रहे हैं क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और आपके जो भी सवाल है कमेंट करके मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।